हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मुझे किसी को कुछ बातें समझानी है। वो बातें ये हैं कि भाई अब उसकी जगह दूसरी आने वाली है। सो चूँकि दूसरी आने वाली है और समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर मुझे उम्मीद है मैं उसको समझा दूंगा। तो फिर चलें। हाँ भाई, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस दिन रात गर्मी में खड़े खड़े तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। घर के अंदर पार्क किया करो मुझे। असल में अब तुम जो ना घर के अंदर पार्क नहीं हो सकती। क्यों? पहले तो हमेशा अंदर पार्क करते थे, अब क्या हुआ? अच्छा, मुझे तुम्हें जो ना एक बात बतानी है। क्या बताना था? मैं एक्चुअली किसी और को पसंद करने लगा हूँ। किसी और को? क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कौन है वो? असल में है नहीं, है। है? अबे कितनी है? असल में ये बात स्टार्ट हुई लास्ट ईयर से, तकरीबन नवंबर से मुझे कोई पसंद आई, मगर मसला ये था कि वो घर आने को तैयार नहीं थी इतनी जल्दी। फिर मुझे दूसरी पसंद आई, मगर मसला ये था कि वो घर वालों को पसंद नहीं आई। असल में वो घर वालों को भी तो पसंद आनी चाहिए ना। और तीसरी वाली? देखो तीसरी वाली जो है ना, वो मुझे तो पसंद आई, घर वालों को भी पसंद आ गई। और क्या है ना, वो तुम्हारी लीग की है ही नहीं, वो काफ़ी आगे की गेम है और फ्यूचर से आई है, स्मार्ट है, तो भाई क्यों ना किसी को पसंद आए। बातों से लग रहा है बहुत पसंद है वो तुम्हें। देखो बुरा नहीं मानना, तुमने बहुत साथ दिया है, मगर क्या है ना, वो साइज में तुमसे बहुत बड़ी है और अब जिस तरह की मसरूफियाँ चल रही है, मेरे ख्याल से अपग्रेड भी करना चाहिए लाइफ में। देखो एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वो ये कि आज हम जा रहे हैं बारात लेके। वाह भाई, रिश्ता भेज भी दिया तो मेरे पास क्या निकाह पढ़वाने आया है? जाहिर सी बात है, तुम भी तो चलोगी हमारे साथ, और देखो देख कर दुआएं देनी है, समझी? चलो ठीक है, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए, आखिर पहली वाली जो हूँ। तो मेरे ख्याल से चले हम, क्योंकि अभी बाराती भी तो आ रहे हैं बहुत सारे, वो नहीं होंगे तो फिर ये ब्लॉग कैसे बनेगा। अच्छा भाई, अब तुम यहाँ सुकून से खड़ी रहना, नई दुल्हन आ रही है, समझी? और अच्छा मूड बना लो और अच्छे से वेलकम करना है। आतो मैं। अच्छा यार, देखा जाए तो ब्लॉग्स में आपने भी देखा होगा कि हम लोग यूजुअली दोस्तों के साथ होता हूँ मैं, खाना वाना खाते थे, तो मैंने सोचा कि भाई जब गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें भी तो दोस्त होने चाहिए ना, तो यहाँ पे हम कैसे मिस कर सकते हैं। ये देखो जो जो सबसे ज़्यादा तैयार होके आया हुआ है वो शफीक, माशाल्लाह मशीन। हाँ बाबा, ये शफीक इतना तैयार क्यों किया हुआ है? मैं तैयार होकर भी आया और फिर भी गर्मी नहीं लग रही, तो हालत खराब हो गई है। हाँ भाई, अली साहब कैसे हैं आप? मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ सबसे पहले तो। और अभी हम इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी बना रहे हैं और बहुत बहुत मुबारक हो। चलो थैंक यू। हाँ भाई, सब सैड है, अब इस पर कलेजी खाने आएंगे, कलेजी खाने आएंगे। भाई अहमद साहब, ये मसरूफ हैं ब्लॉगिंग में, लाइसेंस की डील कर लें हम लोग। एलसन खरीद लेते हैं, 27 की है अभी, आप अभी के अभी हम पैसे लेते हैं, ये अभी दे देंगे अपना रिश्तेदारों का ही शोरूम है। अभी बोले यार, अभी अभी पे ऑर्डर देते हैं, अभी गाड़ी ये वाले साथ लेके जाते हैं। वाकई मैं आई एम सीरियसली कह रही हूँ। चलो डन करो, चलो ऑफिस में चले। ऑफिस नहीं सर, वो आएंगे और हम खड़े। तो भाइयों, आपके सामने मैं रिवील करने लगा हूँ अपनी न्यू गाड़ी ऑल्ट्रा। यार मजाक कर रहा था, ऑल्ट्रा नहीं लिए मैंने, लिए ओशान X7। ये रहे।
बिस्मिल्लाह माशाल्लाह भाई गाड़ी आ चुकी है और ये थी हमारी ये है हमारी कोशान X7 जो कि चंगान पाकिस्तान मोटर्स की है। ये ली क्यों मैंने, किस तरह ली, ये मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो किस तरह की इसकी ड्राइव है, ये तमाम चीज़ें मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा तो उसमें डालूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ प्रोसीजर क्या था, ये लेने की वजह क्या थी, और अपने दोस्तों की तरह कॉमेंट्स भी लेते हैं। तो मुझे, मैं तो सेटिस्फाई था जब भी भाई मैंने लिए, और ये मैंने मार्च में बुक करवाई थी गाड़ी फुल पेमेंट पर, और ऑन टाइम मुझे मिल गई। ये एक अच्छी बात थी कि ऑन टाइम मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है, क्योंकि मैं फर्स्ट डे में ही मैं यहाँ पे ऑर्डर जमा करवा दिया था मैंने। सो ये एक अच्छी चीज़ थी। तो भाई रिव्यू लेते हैं दोस्तों से। आज हम आए मुबीन की गाड़ी लेने, मेरी आवाज़ बैठी हुई भाई समझ में आया ठीक है नहीं आया तो कुछ हमने बता के लेके आया था कि हम एल्सोल ले रहे हैं, लेकिन ये सरप्राइज है कोशान। तो इसमें बैठेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कैसी है कैसी नहीं। उसका संजीदा क्यों अभी खुशी से बोल, अब बैठेंगे तो पता लगेगा, अंदाज़ा होगा हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं भाई? माशाल्लाह मेरी तरफ़ से बहुत 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 मुबारक हो मुबीन भाई को, मैंने माशाल्लाह से चंगन कोशान ले ली है और अब हम देखते हैं माशाल्लाह। कोशान ले तो ली है, हमें बता के क्या है, एल्फिन लेने जा रहे हैं। हाँ एल्फिन का हमें बोल के लाए कि एल्फिन लेने जा रहे हैं, ले मिल हमें कोशान नहीं है। खैर माशाल्लाह इस पर तो खुशी ही थी और इस पर तो डबल खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक मुबीन भाई को। क्या लग रहा है कंफर्ट मिलेगा, बिट्स वाला कंफर्ट मिलना चाहिए यार, मिलना चाहिए। अभी तो हालत देखो क्या हुआ है, गर्मी बगैर एसी वाली गाड़ी में, हाँ बगैर एसी वाली गाड़ी में यहाँ तक आए। मैं बता रहा हूँ ये वापसी हुई बगैर एसी वाली में जाएंगे भाई। एक तो चीज़ मैं बताना भूल गया था, चंगान ऑटो उसकी तरफ से ये एक बॉक्स मिला है जिसके अंदर इन्होंने एक कार्ड रखा हुआ है हेलो फ्यूचर का, जिसमें मुझे मुबारकबाद दे रही है। उसके साथ साथ ओनर मैनुअल है, इसके अंदर वारंटी बुकलेट। सो थैंक यू सो मच। कोशान लेने की एक ख़ास वजह ये थी, एक तो इसके नाम में फ्यूचर सेंस था, सो और जितने इसके अंदर ऑप्शन थे ना वो मैंने दूसरी गाड़ियों से कंपेयर किए थे, HS से किए थे, किया से किए थे, आप स्पोर्टेज और टूसॉन से किए थे। सो इसमें ऑप्शन मुझे ज़्यादा दिखे, और दूसरी ये कि ये इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। सो बाकी असद बता रहे थे तो मुझे कुछ जी मुबीन भाई, सो बेसिकली मैं तो सबसे पहले सजेस्ट यही करूँगा कि इंशाल्लाह सबसे पहली बात मैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये गाड़ी, और मैं ये कहूँगा कि आप इसको इंशाल्लाह जब आपको मौका मिला फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाएं, मोस्ट ऑफ़ लाहौर इस्लामा वगैरह, तो इसका असली मज़ा आपको आएगा मोटरवे पे। उसकी दो वजह हैं, एक तो क्रूज़ कंट्रोल तो आजकल आपको पता है हर गाड़ी में होता है, इसमें एक है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लाइक सामने वाली गाड़ी की स्पीड को आप लॉक कर लेंगे और 80 भी जाएगा आप 80 भी जाएंगे, वो 140 जाएगा 140 जाएंगे, वो वापस डाउन करेगी अप करेगी उस हिसाब से गाड़ी एडजस्ट करेगी, तो ये एक बहुत मज़ेदार फीचर है। उसके अलावा आपको पता है पीछे लेग स्पेस कितनी ज़्यादा है। हाँ मैं वो देख रहा था, 5 सीटर जो है लेने की वजह ये थी, एक तो वो टॉप ऑफ द लाइन थी, दूसरा ये कि लेग स्पेस जो है ना वो पीछे इवन बैठने वाले बड़े कंफर्टेबल, लॉन्ग ड्राइव बड़ा सुकून में। मैं ओपनली ये कहूँगा कि कोई बंदे की अगर 6 फुट 4 इंच का भी अगर बंदा है वो रिलैक्स होकर बैठेगा उसके बावजूद उसके आगे इतनी लेग स्पेस मिलेगी, और जो पीछे जो स्पेसिंग है वहाँ पे आराम से आपके 4 से 5 फुट के साथ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी या बहुत सारे लोग लेना चाह रहे होंगे, अगर आपको भी चंगान की एल्फिन या ओशान चाहिए तो किस तरह बुकिंग होती है ये मैं बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मैं डीलरशिप आया था, और चूँकि मेरे यहाँ पे एक दोस्त भी है असद, अच्छा तो असद जब मैं आया तो मैंने पहले गाड़ी देखी जी, और असद को पहले कॉल कर दी थी कि चूँकि लॉन्च होने वाली थी, उसमें लॉन्च से पहले आ गया था, बिल्कुल मैं लॉन्च से पहले ही आ गया था और गाड़ी देखी, मुझे पसंद आ गई। फिर एक फॉर्म था, वो फॉर्म क्या होता है, PBO बेसिकली होता है, PBO फॉर्म, प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर, तो वो मैंने फिल किया। उसके बाद एक मैंने बोला कि भाई ये फुल पेमेंट पे जो है ना गाड़ी का मैं जो ना पे ऑर्डर बनाता हूँ, तो मैं दूसरे दिन ही मेरे ख्याल से मैंने अर्ली मॉर्निंग 11 AM पे ऑर्डर ले आया। मैंने बोला इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए गाड़ी भाई ये ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ना कुछ 6-7 महीने से कन्फ्यूजन ही थी कि कौन सी गाड़ी ने कौन सी लें, तो ये दिल पर बैठ गई थी मेरे। तो उसके बाद जो मुझे PBO मिला था उसके अंदर जो डेट थी वो थी 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स मुझे गाड़ी डिलीवर होनी थी, जो कि मैं हमेशा उस वक्त भी मैं कंफ्यूज था कि यार ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा ये कंफ्यूजन थी मुझे, और मुझे यकीन नहीं था विद इन 2 मंथ्स ये गाड़ी आपके सामने खड़ी हुई। तो भाई थैंक्स टू चंगान मास्टर मोटर्स, डेफिनेट बड़ी जल्दी गाड़ी निकल गई, और साउथ मोटर्स का भी शुक्रिया, बड़े बड़े स्मूथली हुआ, मुझे नहीं पता था कि इतनी स्मूथली ये चीज़ें ली जाती हैं।
क्योंकि हमेशा ऑब्वियसली रिकंडीशन गाड़ी नहीं है, तो ये पहला एक्सपीरियंस है न्यू गाड़ी लेना शोरूम से जाके, तो मुझे तो बड़ा स्मूथ लगा और गाड़ी आ गई है ना सर बिल्कुल। तो अभी 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 क्या करें, अभी हम गाड़ी गाड़ी लेके जाएं, हो गई अपनी सर आपकी गाड़ी हो गई बिल्कुल। यार अगर आप लोगों को भी ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए ना तो मेरी माने फुल पेमेंट पे बुकिंग करवा लें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टैक्सीज भी लग रहे हैं और गाड़ियों की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं, डॉलर रेट भी बढ़ रहा है, तो कुछ नहीं पता होता कि भाई आपने गाड़ी किस पैसों पे ली है और वो जब आपको डिलीवरी होती है तो उस वक्त क्या पैसे होते हैं। तो भाई फुल पेमेंट पे करवाएं, ऑन टाइम आपको डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, जो मोबीन भाई की थी वो खुशकिस्मती थी कि उन्होंने स्टार्टिंग में फुल पेमेंट कर दी, और मैं मेरे ख्याल से पहले दिन ही आ गया था, पहले दिन ही आ गया था, 7 मार्च को आए थे और 7 मार्च को बुकिंग ओपन हुई थी और 8 मार्च की मॉर्निंग को इनका ऑर्डर रिसीव हो गया था। सो मैं अब फर्दर कस्टमर से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर वो फुल पेमेंट करवाते हैं तो वो वाला टाइम डिलीवरी नहीं होगा, बट इंशाल्लाह आई थिंक विद इन 3 मंथ्स में हो जाएगी गाड़ी आपको डिलीवर हो जाएगी। पेट्रोल के पैसे नहीं बचे हैं अभी, अभी गाड़ी आई नहीं, पूरा खर्चा हो गया ट्रीट पहले से। माशाल्लाह बोलना तो चलो ये हम करते हैं, गाड़ी खोलते हैं। क्या क्या भाई रमज़ानों में तो आपने सुना ही होगा, जब बिरयानी जब भी डलती है पतीले में तो आपने सुना होगा, आज हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, वो ये कि गाड़ी खोलते हुए हम बोलेंगे शफीक का सर्दी दिखाना माशाल्लाह, शफीक ज़्यादा तैयार हो गया गाड़ी के लिए, तो ये मिल गया अभी, तुम अपनी बेगम को दे देने ले। भाई तो ये था हमारा ब्लॉग गाड़ी लेने का, तो मैंने सोचा कि भाई ये एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कैप्चर भी करते हैं वीडियो में, तो एक ब्लॉग बना लिया, दोस्तों के साथ आए हुए थे, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो, आपको आप लोगों की दुआओं से हुआ है भाई, सब तक आप लोगों की दुआ आप लोगों की सपोर्ट होती है तो ये चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं, तो थैंक यू सो मच। बाकी ये कि उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, बस अब आगे हम दिखाते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा था, इसके अंदर क्या क्या फीचर है, तो नेक्स्ट व्लॉग में किसी में दिखाएंगे। चलिए जी मुझे इजाज़त दीजिएगा, एक सेकंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स देखें, क्योंकि सारे पैसे लग चुके हैं और गाड़ी रजिस्टर करानी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर करें, ज़्यादा व्यूज़ आएँ ताकि गाड़ी रजिस्टर करा सकें। ओके जी, अल्लाह।